हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बना रहे हैं कच्चे चावल से बहुत बढ़िया नाश्ता। ये 1 कप चावल है, रात में इसको भिगो कर रख दिए थे। इससे क्या होता है, नाश्ता बहुत सॉफ्ट बनता है। चावल को भी पीस लिए, धनिया पत्ती को बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये 2 हरी मिर्च है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फिर ये 1 टमाटर, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और 1 प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसके बाद पिसा हुआ जो चावल है उसमें सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जीरा आधी चम्मच, फिर नमक स्वाद अनुसार, और ये 1/2 कप सूजी। इसका वीडियो बनाना भूल गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर छोटी चम्मच से आधी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर इधर तवा भी गर्म हो चुका। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा तवा में तेल डालकर और इसको टिश्यू पेपर से या कपड़े से पोंछ लेंगे। फिर बैटर को कलछुल से तवे के ऊपर डालेंगे। इसके बाद ढक्कन से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। ये रेसिपी सच में बहुत बढ़िया बनता है, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। सबसे ये क्या है, इसमें तेल बहुत कम लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस रेसिपी को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो छिलका बोला जाता है।